दोस्तों, अगर आपने नेटवर्क के ऊपर कोई भी प्रिंटर शेयर किया हुआ है और आप उसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं दूसरे सिस्टम पर, सर्वर के अलावा जो दूसरे सिस्टम्स होते हैं उस पर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये आपको एरर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ वो परमिशन से रिलेटेड एरर है, ठीक है, एक सर्विस से रिलेटेड एरर है जो कि 555001B करके आता है। तो इस पर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको आप चुटकियों में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सर्वर पे जाना होगा जिस पे आपने यूएसबी के थ्रू जो है प्रिंटर को इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये मैं आ चुका हूँ सर्वर पे जिस पे वो यूएसबी के थ्रू प्रिंटर इंस्टॉल है। सबसे पहले उस सर्वर पे जाके आपको ना यहाँ पर रजिस्ट्री एडिट में जाना है। तो जैसे आप रजिस्ट्री एडिट ओपन करते हैं, ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आपको ओपन करना है, यस कर देना है। यहाँ पे जो जो ऑप्शंस मैं आपके सामने खोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, पहले इनको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे लोकल मशीन के अंदर, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है सिस्टम के अंदर, ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे हटा देता हूँ उसको, ठीक है। उसके बाद आपको कंट्रोल सेट देन कंट्रोल, और उसके बाद जो जो मतलब कि मैं सिस्टम पे जा रहा हूँ, आपको ये वीडियो को पॉज करके आपको सेम ऐसे जाना है। जब आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे चले जाओगे ना, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके एक वैल्यू आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू 32 बिट्स में ही आपको क्रिएट करनी है, 64 बिट की आपकी विंडो हो या 32 बिट की हो, बट आपको 32 बिट में ही जो है यहाँ पर वैल्यू क्रिएट करनी है। वैल्यू क्रिएट कर लेने के बाद इसको रीनेम करना है। रीनेम में आपको ये नाम डालना है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कॉपी करके एज इट इज़ आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यही आपको इसमें जो है फाइल का नाम देना है। जैसे मैं रीनेम पे क्लिक करूंगा और वो पेस्ट हो जाएगा और रीनेम हो चुका है। अब इसको मॉडिफाई करना है आपको। मॉडिफाई करने के बाद इसमें ना एक वैल्यू देनी है, वो होगी बिल्कुल जीरो, यानी कि अगर वन होगा तो वहाँ पे जीरो कर देना, अगर पहले से जीरो है तो एक बार जीरो टाइप करके उसको ओके कर देना है, यहाँ से इसको कर देना बंद। उसके बाद आपको दोबारा से सर्च बार में जाके services.msc लिखना है, वहाँ पे आपको सर्विसेज खुल जाएंगी जो हमारी विंडो की सर्विसेज होती हैं, वहाँ पे आपको जाना है। और यहाँ पे सर्विस खुल लेने के बाद आपको जो है यहाँ पे पी प्रेस करना है, प्रिंटर स्पूलर सर्विस आ जाएगी, आपको उसको देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके ऊपर जस्ट आपको आते ही जो है राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करते ही आपके सामने जो है वो जो सर्विस है वो रीस्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। राइट क्लिक करके रीस्टार्ट का ऑप्शन है तो रीस्टार्ट कर देना। इसके बाद यहाँ सर्वर वाला काम खत्म है, आप चलते हैं दोबारा से वापस क्लाइंट पे। तो क्लाइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे अभी हम प्रिंटर का एरर शो हो रहा था हमें, हम जो है रन से डायरेक्ट मैं उस आईपी से उसको सर्च कर रहा हूँ, देख सकते हैं यही वाला वो प्रिंटर था। रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे आप देखा कि आपने डबल क्लिक करते ही जो है वहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि ड्राइवर फाइंड आउट कर रहा है। अगर आपने ड्राइवर नहीं इंस्टॉल किए होंगे तो ड्राइवर जरूर से इंस्टॉल कर देना, बाकी यहाँ पे जो है प्रिंटर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको परमिशन वाला जो एरर आ रहा था ना वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।